ये धरने को समर्थन देना ऐसी परिस्थिति शहर में पैदा कर दी, उन लोगों ने पैदा कर दी जो राम राज्य लेकर इस प्रदेश में और इस देश में आने का वायदा देश और प्रदेश की जनता से करते थे। सवाल खड़ा होता है, क्या ये राम राज्य है? क्या इसी राम राज्य के लिए ये लोग इस देश में आंदोलन, इस देश की जनता से सहयोग समर्थन मांगते थे कि जहां चुने हुए प्रतिनिधियों, जो चुने हुए पार्षद हैं और हमारे देश की अवधारणा जो है उसमें पंचों को परमेश्वर कहा गया है, जो पंचों की आवाज है, जो जनता की आवाज है वो परमात्मा की आवाज मानी जाती है। जो लोग सत्ता में बैठकर या सत्ता का नजायज इस्तेमाल कर इस जनता की आवाज को, इन पंचों की आवाज को दबा रहे हैं, वो परमेश्वर की, भगवान की आवाज को दबा रहे हैं। जहाँ तक कमेटी की, नगर पालिका की मीटिंग का सवाल है, तो ये 10 पार्षदों या सत्तासीन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का नहीं, बल्कि नारायणगढ़ म्युनिसिपैलिटी से जुड़े हुए 1 लाख के करीब लोगों और 22,500 के करीब वोटर 15 पार्षदों के हकों और अधिकारों का सवाल है। विक्रम जी, बहुमत यहाँ बैठा, ये आप सब जानते हैं कि जो चेयरमैन को लेकर, चेयरमैन के चुनाव को लेकर जो खींचातानी हुई, जो उनको, वो अपने चहितों को सत्ता पर काबिज न कर पाए उस पद पर, उसके कारण ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। और ये नजायज तौर पर जो अधिकारी बार बार छुट्टी पे चले जाते हैं, इस देश का इतिहास है, इस प्रदेश का इतिहास है कि राजनीतिक दखल अंदाजी से ही ऐसे अधिकारी छुट्टी पर जाया करते हैं, नहीं करते तो वो जनमत को, बहुमत को ऐसे ही अपमानित करते हैं अधिकारियों के जरिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि ये जो सचिव है सीधे सीधे इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और इसको सस्पेंड करना चाहिए, कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए कि ऐसी क्या उसको इमरजेंसी, जिस दिन कमेटी की मीटिंग होती है, नगर पालिका की मीटिंग होती है, उसी दिन उसको ऐसी क्या विशेष इमरजेंसी होती है कि वो छुट्टी पर चला जाए? क्या क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या कहां तक इनको, किस लेवल तक जाना चाहिए यदि इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं? 9 पार्षद यहां बैठे हैं और इनके साथ जो लोग बैठे हैं, ये 9 पार्षदों का नहीं बल्कि 22,500 लोगों का, इस पूरे नारायणगढ़ म्युनिसिपैलिटी में रहने वाले उस व्यक्ति के हक की लड़ाई है और इस हक की लड़ाई अधिकार इतिहास गवाह है, मांगने से नहीं मिलते, छीने जाया करते हैं। ये सरकार के खिलाफ, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ ये जो धरना है, ये जो आवाज है, इसको बुलंद करने की जरूरत है और हम इनको ये कहने आए हैं कि हर तरह से हर सहयोग समर्थन हमारा इनके साथ है इस लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई जायज है, नजायज के खिलाफ है, ये तानाशाही के खिलाफ एक लड़ाई है।